कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है वो वोल्ट मीटर होती है, ठीक है। वोल्ट मीटर में कुछ ऐसा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत पड़ी। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है और वोल्ट मीटर भी। तो वोल्ट मीटर के ड्रॉबैक क्या हैं, वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे काम करता है, ये सब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो यहाँ पर एक सैम्पल वोल्ट मीटर है पुराने ज़माने का, जो कि 10 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये दिख रहा होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, इस साइड ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। वोल्ट मीटर का, क्योंकि वोल्ट मीटर में ऑब्वियसली कुछ वायर्स होते हैं, तो उन वायर का कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक तो हम रेजिस्टेंस बाहर भी लगाते हैं, और एक एक तो वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कॉइल का भी होता है। फिर उसको बनाने के लिए एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है बाहर की तरफ, तो कुल मिला के दो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। डिटेल कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे अगले चैप्टर में। नाउ तो फिलहाल इसका काम क्या होता है, एक सेकंड ध्यान से देखिए। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। मगर वो तब होगा जब पूरी की पूरी करंट इसमें जाएगी, ठीक है, इसमें जाएगी। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ओम्स लॉ से निकाल लोगे, आई इंटू आर, ठीक है। तो जब पूरी करंट इसमें जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर हो गया, मगर वोल्ट मीटर लगाने से कुछ करंट तो वोल्ट मीटर में चली जाएगी। ऑब्वियसली हमें वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ऑब्वियसली दो पॉइंट के बीच लगाना है तो पैरेलल ही लगाओगे, ठीक है। मगर वोल्ट मीटर को लगाते ही कुछ करंट वोल्ट मीटर में चली जाएगी। तो अगर सपोज करो सम एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, अगर सपोज करो कि यहाँ पर 10 एम्पियर की करंट आनी है और इसका कुछ रेजिस्टेंस है, मान लो आर, आर ही ले लो, या कुछ वैल्यू चाहो तो ले लो, मान लो इसकी वैल्यू है 2 ओम, ठीक है। तो अगर ये करंट पूरी की पूरी इसमें जाती है तब तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर 10 एम्पियर की करंट ये जाती है, 10 एम्पियर की करंट है, एम्पियर जरूर लिख देंगे बाहर, तो वी ए माइनस वी बी, ए हायर पोटेंशियल पे होगा, बी लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 2, मतलब आएगी 20 वोल्ट, 10 एम्पियर 2 वोल्ट, 2 ओम, सॉरी, फिजिक्स में ऐसे लिखना बहुत अच्छा रहता है। अगर तुम्हें बहुत बड़े सवाल नहीं करने हैं तो सीधा ऐसे 10 एम्पियर एंड एम्पियर इंटू ओम वोल्ट होता है, तो यह जगह 20 वोल्ट। मगर जैसे ही हमने वोल्ट मीटर लगा दिया तो अब इसमें 10 एम्पियर की करंट नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट तो किसमें जाएगी, इसमें जाएगी, मान लो 1, बहुत कम जाएगी, 1 एम्पियर जाएगी। तो अब जो 10 एम्पियर यहाँ से आ रही थी, 1 एम्पियर इसमें जाएगी, इसमें सिर्फ 9 एम्पियर जाएगी। तो अब जो वी और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वो हो जाएगा 9 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, ठीक है। अब ये हो गया 18 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं करेगा, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, जबकि ये कितना बता रहा है 18 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का ये ड्रॉबैक है, इसकी वजह से, ड्यू टू दिस वी नीड अनदर डिवाइस जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि ये एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं मेजर करती, क्योंकि ये खुद कुछ करंट लेती है, ये बिना वोल्ट मीटर बिना करंट लिए तो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वोल्ट मीटर खुद कुछ करंट लेगा, इट विल टेक सम करंट। तो अब हमें ऐसी डिवाइस चाहिए जो करंट ना ले, जो करंट ना ले। तो क्या ऐसी कोई डिवाइस हो सकती है, जी हाँ हो सकती है, ऐसी ही डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर।
तो देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं, बेसिक प्रोसीजर देखो। कह रही है फिर वही आ गया, फिर वही लकड़ी का बॉक्स, पोटेंशियोमीटर ऐसा लंबा चौड़ा दिखेगा। तो तुम इस साल तो लैब में गए नहीं होगे, वैसे भी जब स्कूल खुला होता है तब भी कौन लैब में जाता है, मगर कभी लैब में जाओगे तो इस तरह की चीज़ देखोगे, बड़ी सी जिसमें कई फोल्ड के ऐसे वायर होंगे, वो चीज़ होगी पोटेंशियोमीटर। खैर मैं तुम्हें ओ लैब में दिखाऊंगा, डिजिटल लैब में दिखाऊंगा, एकदम रियल एक्सपीरियंस होगा, तो इसको रियल देखेंगे ना। मेन सवाल है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बिना करंट लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं? तो पोटेंशियोमीटर का एक ईजी वर्जन यहाँ पे दिखाया गया है, एक्चुअल वर्जन से पहले समझने के लिए एक ईजी वर्जन दिखाया गया। तो उस समझने के लिए क्या किया गया कि अगर हम सपोज करो दो सेल ले लें E1 और E2 और उनको पैरेलल में लगा दें, ठीक है, पैरेलल में, अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया, तो दो सेल को पैरेलल में लगा दें, ठीक है, तो इस सर्किट में करंट तब तक होगी जब तक किसी एक सेल का EMF दूसरे से ज्यादा है ना। देखो यहां पर एक पोटेंशियोमीटर का भी बेसिक कंसेप्ट ऐसा ही होता है, पोटेंशियोमीटर बेसिकली इसी तरह से काम करता है, यही बेसिक प्रोसीजर है। एक और चीज होती है गैल्वेनोमीटर, एक्चुअली में जो वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं उसको गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, जो मेन डिवाइस है वो गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर वैसे स्मॉल करंट मेजरमेंट के लिए काम आती है, एमीटर थोड़ी सी बिगर करंट को मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कहीं भी करंट होती है उसको डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन के साथ डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस होता है, एमीटर करंट की डायरेक्शन को मेजर नहीं करता है, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है। मतलब करंट वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट वायर में फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, तो उसको मेजर करता है कि किधर की तरफ, ठीक है। तो करंट की दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होती हैं और जिस वैक्टर की सिर्फ दो डायरेक्शन हो वो वैक्टर नहीं हो सकता, तो ये वैक्टर नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती है, एक करंट वायर में आगे एक वायर में पीछे। खैर तो गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताता है किस तरफ है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है, यानी ऊपर वाले सेल का EMF ज्यादा है, ठीक है, तो इफेक्टिव करंट कैसे होगी, ऐसे होगी, और गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्ट करेगा। ये एकदम इजी फॉर्मेट में पोटेंशियोमीटर का डिस्क्रिप्शन है, अभी थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर में हल्का सा कॉम्प्लिकेशन होंगे, मगर बेसिक रूल ऐसा ही होगा, बेसिक रूल एकदम ऐसा ही, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हमें पोटेंशियोमीटर को डिजाइन करने के लिए दो सेल यूज करने पड़ेंगे, जैसे यहां पर दो सेल है। तो अगर ऊपर वाले का EMF ज्यादा है, इफ EMF ऑफ अबव EMF इस समय, इफ E1 इज मोर, देन डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगी, रेड, ऐसे दिख रही है तुम्हें साफ साफ बढ़िया तरीके से, ये E1 ज्यादा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी होगी। अगर E2 ज्यादा है तो ध्यान से देखना, ये तो E1, अगर E2 ज्यादा हो गया इसका उल्टा हो गया, इफ E2 इज मोर देन E1, इफ E2, तो करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस पूरे लूप में करंट की दो डायरेक्शन होगी, एक तो E1 के ज्यादा होने पे होगी, एक E2 के ज्यादा होने पे होगी, इधर E1 विल बी मोर और E2 विल बी मोर, बहुत कंफर्ट। नाउ सो लाइक दिस, दिस इज E2 इज मोर। एक ऐसी भी कंडीशन आएगी जब E1 और E2 की वैल्यू बराबर होगी, या हम कह सकते हैं कि अगर हम दो सेल ऐसे ले लें, कंडीशन तो नहीं है यहाँ पे, दो सेल अगर ऐसे ले लें, अगर हम दो सेल ऐसे ले कि E1 ज़्यादा है तो एक डायरेक्शन में करंट होगी, अगर हम दो सेल ऐसे ले कि E2 ज़्यादा है तो दूसरी डायरेक्शन में करंट होगी, अगर हम दो सेल ऐसे लें जो एकदम उनके EMF सेम हो, एकदम EMF सेम हो, अगर E1 और E2 सेम हो तो करंट नहीं होगी, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिना करंट के ही, करंट जब नहीं होगी तो ऑब्वियसली E1 की वैल्यू E2 के बराबर होगी, यानी जो पोटेंशियल का मेजरमेंट होगा वो एग्जैक्ट होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर में पोटेंशियल कम क्यों आता है, क्योंकि वोल्ट मीटर कुछ करंट खा जाता है, 10 एम्पियर की करंट आएगी तो 1 एम्पियर की करंट वो खा जाएगा, तो उसकी वजह से एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है।
तो ये ऐसी डिवाइस हो गई, मगर ये डिवाइस कब काम करेगी, जब E1 इज इक्वल टू E2 हो, दोनों के EMF बराबर होंगे। तो हम कुछ ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए और सर्किट में कोई भी करंट ना हो, और हम एग्जैक्ट EMF या एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर इसी कंसेप्ट पे काम करता है। पोलैरिटी भी देख लो, एक चीज और समझ लो, ये चीज तभी हो सकती है जब दोनों सेल की करंट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पे देखो, और तुम्हें अब तक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते पढ़ते इस बात का पता लग गया होगा कि E1 करंट यहां पे, मतलब इससे करंट इधर निकलेगी, है ना, और इससे करंट इधर निकलेगा। ठीक है, तो दोनों की करंट अपोजिट डायरेक्शन, अभी मैं दोनों की करंट दिखा रहा हूं, तो दोनों सेल की करंट किधर है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो। तो ऑब्वियसली दोनों सेल की करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तभी ये बराबर हो सकती है, कैंसिल होकर जीरो हो सकती है। ठीक है, अगर इसकी जगह ऐसा उल्टा जुड़ा होता, ये वाला पॉजिटिव होता और ये थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होता, तब E1 E2 कभी, तब तो E1 E2 बराबर भी होते तब भी करंट कैंसिल नहीं होती, क्योंकि उस केस में अगर ये पॉजिटिव होता, थोड़ी देर के लिए इसको बड़ा कर लेता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको बड़ा मान लो। ठीक है, तो तब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये भी अपनी करंट इस डायरेक्शन में भेजता, इस डायरेक्शन में, मतलब कौन सी डायरेक्शन इसको बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज, और E1 की भी एंटी क्लॉकवाइज होती, तो दोनों सेल्स की करंट सेम डायरेक्शन में होती। ठीक है, और दोनों सेल्स की करंट ऐड हो जाती बराबर होने पर भी, अगर दोनों का EMF बराबर भी ले लें तब भी अगर दोनों सेल्स की करंट ऐड होंगी तो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज है, पोलरिटी भी इसी तरह से होनी चाहिए, है ना, यानी दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता पोटेंशियोमीटर, मगर कंसेप्ट यही होता है। तो पहले पोटेंशियोमीटर का हमने कंसेप्ट समझने की कोशिश की। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस सर्किट, यानी अगर E1 E2 से ज्यादा है या E2 E1 से ज्यादा है तब तो अनबैलेंस्ड होगा, मगर जब E1 एग्जैक्टली E2 के बराबर है तब इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगी और तब गैल्वेनोमीटर में भी कोई करंट नहीं होगी, या ऐसे कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, करंट को शो करता है, यानी अगर सर्किट में करंट होगी तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, है ना, एक इधर एक साइड करंट, एक डायरेक्शन में करंट होगी, तो इसको एक बार फिर से देख लो, अगर एक डायरेक्शन में करंट होगी तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में करंट होगी तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अगर कोई करंट नहीं होगी तो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं होती है तब इसको हम कहते हैं बैलेंस सर्किट, और पोटेंशियोमीटर इसी पर बेस्ड है। तो आई थिंक ये बेसिक डिस्कशन हो गया, इसके बाद फिर पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे।